ठीक है, तो आज जो है मैं आप लोगों को लाइट सेक्शन का जो है एक बहुत ही पॉपुलर आईसी AL61 या AL62 करके आईसी जो आती है, जो कि MI-KFi पे या ITEL Infinix वगैरह हैंडसेट में ज़्यादा आती है, तो 6 लेग आईसी है, उसका थ्योरी बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है हमारे जो स्टूडेंट है और जो हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हैं उनके लिए है, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले उस आईसी के ऊपर और बात करते हैं कि आईसी किस तरीके से काम करती है और क्या क्या बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है। इसका प्रैक्टिकल भी इसके बाद में आपको लाइव दिखेगा, तो पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आईसी होती है आपकी कुछ इस टाइप की आईसी आपको देखने को मिलती है, और इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पिनें देखने को मिलती है, ठीक है। इस आईसी का डॉट सपोज करो यहाँ है, तो इसका एक नंबर यहाँ से 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसको हमेशा एंटी क्लॉक गिना जाता है, घड़ी के उल्टा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस आईसी के ऊपर जो वोल्टेज इन होती है वो 6 नंबर पिन पे इन होती है, किस पे होती है। और हमने देखा है कि सर्किट जो चलता है वो मोस्टली VPS से ही चलता है। VPS से मेरा मतलब चार्जिंग सेक्शन की आउटपुट वाली जो सप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्जिंग आईसी कोई भी डाल देते हैं, जैसे आपको समझाने के तौर पे, जैसे BQ है ना। BQ क्या करती है, यहाँ से आपके लिए एक VPS आउट करती है जो कि 3.7 की सप्लाई होती है, और वही सप्लाई सीधा आपके इस आईसी को दी जाती है, ठीक है। इस आईसी कि 6 नंबर पिन पे वोल्टेज आने के बाद में यहाँ पर एक कॉइल रखी जाती है जो कि कितनी होती है, 10 माइक्रो या फिर 4.7 माइक्रो हेनरी की होती है, ठीक है। और इस कॉइल का ये सिरा इससे अटैच होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो 4 नंबर पिन से अटैच होता है, 4 नंबर पिन से। पहले हम इस पिक्चर को पूरा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहां से आगे जाके एक और कंपोनेंट रखा जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोड, ठीक है। इसके बाद में एक और कंपोनेंट यहां पे रखा जाता है जो कि एक या दो आपका होता है कैप, जो कि एक सिरा उसका ग्राउंड होता है, एक सिरा इस लाइन से कनेक्ट होता है, और ये लाइन किसी नॉर्मल कॉइल से या नॉर्मल रजिस्टर से होते हुए ये लाइन आपके चली जाती है LCD के एनोड पे। कहाँ चली जाती है, LCD कनेक्टर के एनोड पे। सपोज करो जो सेट हम अभी देख रहे हैं उसकी जो एनोड है वो मैं बता दूं कि वो जो एनोड है इसकी यहां पर आ रही है, कहां पर आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है, ठीक है। इसके बाद में इसी कनेक्टर की जो आईसी को PWM भी जाती है, इसी आईसी से कैथोड भी आती है। तो हमने 4 नंबर पिन को क्लियर किया है और हमने 4 नंबर और 6 नंबर को क्लियर किया है, तो इसकी 5 नंबर पिन है जो वो क्या काम करती है। तो 5 नंबर पिन इस आईसी की जो है वो होती है PWM, जो कि हमने इस हैंडसेट में देखा 8 नंबर पिन से आ रही है, कितने नंबर, 8 नंबर पिन से, यानी LCD कनेक्टर से इसको एक पल्सेस दी जाती है। PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी इसको यहां से एक पल्सेस दी जाती है 0101 की, उसी के थ्रू ये जो है आईसी स्विचिंग करती है, ऑन ऑफ करती है जो भी इसके अंदर मॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर जो पिन होती है वो इसकी डायरेक्टली ग्राउंड होती है। आपने इंटरनली सर्किट समझा कि पिन ग्राउंड क्यों जरूरी है ना। इसके बाद में 2 नंबर पिन के साथ कैप आपको ग्राउंड मिल भी सकता है और NC भी हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर जो पिन है वो आपकी डायरेक्टली यहां से निकल के डायरेक्टली कनेक्टर पे आती है, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, 5 ओम या अगर एक है तो 10 ओम का ही रजिस्टर आपको देखने को मिलता है, और उसका दूसरा सिरा क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो हम समझिए इस फॉल्ट को हम बना रहे हैं तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम एनोड का पता करेंगे कि हमारी एनोड कंप्लीट है या नहीं है। एनोड कंप्लीट का मतलब होता है जब जैसे ही बैटरी डालोगे VPS बनेगा, कॉइल पे आएगा, डायोड पे आएगा और सीधा होते हुए आपके कनेक्टर पे मिलेगा। अगर आप फोन में बैटरी डालते हैं या चार्ज डालते हैं, चार्ज तो चलो कभी कभी जैक खराब भी होता है, आपने बैटरी डाला
और आपके एलसीडी कनेक्टर पर आप मीटर को वोल्टेज मोड में करो और एक एक पिन पे ध्यान से देखो, किसी ऐसी पिन पर बैटरी के बराबर वोल्टेज आ रहा है क्या, या 3.7 के आसपास वोल्टेज आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आपकी एनोड लाइन आपको मिल गई है जिसमें ये आईसी लगी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमें एक प्लस मिल गया तो माइनस की भी जरूरत पड़ेगी। तो माइनस यानी कैथोड, तो कैथोड का कैसे पता करेंगे? तो यहां पे देखिए, ये लाइन इस आईसी के साथ कनेक्ट होने के अलावा ग्राउंड भी है रजिस्टर के साथ। तो एक ऐसी लाइन ढूंढो जिसमें बीप तो आ रही है लेकिन वैल्यू के साथ आ रही है। अगर ऐसी लाइन जिसमें बीप आ रही है और वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगी आपकी? कैथोड हो गई, दो पिने आपको मिल गई। अब पीछे रही पीडब्ल्यूएम, तो आईसी को जब आपने रीड किया तो आपने देखा था कि 5 नंबर पिन जो है वो पीडब्ल्यूएम है। तो यहां से यहां बीप बजा के देख लो, सही है नहीं है। फिर आप फोल्डर के अंदर उसी पिन का जीआर ले लो, कभी कभी वो लाइन ओपन होती है तो ग्राफिक आता है थोड़ी देर बाद में चला जाता है, सॉरी लाइट आती है थोड़ी देर बाद चली जाती है, क्यों? पीडब्ल्यूएम मिल नहीं रहा। तो यही सारा सर्किट जो है आपका, ये जो थ्योरी है मैंने प्रैक्टिकल में करके बताई है। तो आपको कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर बताएं, और कुछ सवाल हो तो मेरे को ग्रुप में या कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। देखिए, आज हमारे पास जो है इसका क्या नहीं है, स्कैमेटिक भी नहीं है इसका, क्योंकि बोर्न्यू नहीं चल रहा एक। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो लाइट सेक्शन है आप बिना स्कैमेटिक देखे ही कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। तो हालांकि इस हैंडसेट के अंदर ग्राफिक नहीं दिखा है मुझे, लेकिन मैंने जब आप लोगों के सामने सेट लेके आया तो मेरे को ग्राफिक दिखा है, ये मैं कन्फर्म हूँ। ठीक है, तो मैं पहले लाइट को ही छेड़ूंगा। दूसरी, यहाँ पे हो सकता है कि कनेक्टर के लूज कनेक्शन के कारण ग्राफिक नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक ग्राफिक बनने के लिए जो वोल्टेज होने चाहिए वो मैं आप लोगों को चेक करके बताने वाला हूँ। तो एक ग्राफिक को, हालांकि ग्राफिक का सेक्शन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे दूँ कि ग्राफिक सेक्शन को चलने के लिए या ग्राफिक सेक्शन ग्राफिक आने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बैटरी वगैरह डाल के हैंडसेट को एक बार ऑन कर दे रहा हूँ, और ऑन करके ये यहाँ पे जो है इसकी ग्राफिक आईसी लगी हुई है, SM कुछ सीरीज है, और मीटर को मैंने वोल्टेज मोड में किया। अगर ग्राफिक आ रही होगी तो यहाँ पर हमें वोल्टेज माइनस के 5 और प्लस के 5 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 6 वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पर माइनस के 6 वोल्टेज मिल रहे हैं, इसका मतलब ग्राफिक आईसी अपना काम कर रही है। अब यही वोल्टेज जो है हमें इसके यहाँ पे मिलने चाहिए, कहाँ पे? कनेक्टर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, क्या यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं 6? तो हैं, अभी चले गए होंगे, आए तो थे ना। मैं एक बार फ़ोन को चार्ज डाल देता हूँ, आए तो थे, मैंने तो देखे। तो मैं एक बार इस फ़ोन को जो है चार्ज डाल देता हूँ, चार्ज मैंने डाल दिया है और चार्जर मीटर में, मीटर के अंदर आपको दिखी भी रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे को माइनस या प्लस के 6 वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पे मेरे को माइनस के 6 वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ग्राफिक आईसी अपना काम कर रही है। इसके अलावा मेरे को कुछ 1.8 वोल्टेज भी देखने को मिलने चाहिए जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इस 1.8 को ये नहीं कह सकते ग्राफिक का है, टच का है, किसका है, लेकिन हम पकड़ते हैं कितने 1.8, एक 1.8 आया, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? एनोड की लाइन। ओके, तो हमें 5 टाइप के 1.8 देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं कि ग्राफिक भी हमारा सही है। तो हम एक बार जो है लाइट आईसी पर जाके लाइट आईसी को देखेंगे कि लाइट आईसी की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया है
कि हमारी 4.3 यानी VPH वाली सप्लाई एनोड पर मिल रही है, यानी LCD कनेक्टर पर मिल रही है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो एनोड वाला लाइन है वो क्लियर है VPH से। जैसे मैंने आपको लाइट सेक्शन पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग समझिए कि हमारी ये जो सेक्शन दिख रही है ये वाली, ये कॉयल लगी हुई है, ये एक IC लगी हुई है, ये डायोड लगा हुआ है, ये कैप लगा हुआ है, ये सारे के सारे मिलके एक लाइट सेक्शन बनाते हैं, एक लाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइट बनाते हैं जिससे आपकी होल्डर ग्लो करता है, लाइट दिखती है। तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर यहाँ पर भी दिख रहा है, एक रजिस्टर यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर कहाँ पर? एक ऊपर देखिए रजिस्टर ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ये इनपुट का रजिस्टर है इसका और ये आउटपुट का रजिस्टर है, समझ गए? तो यहाँ पर जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 3.7। तो मैं बैटरी डाल दे रहा हूँ, बैटरी डाल दिया मैंने, और अब चेक करते हैं कि उस रजिस्टर पर 3.7 की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। आ रही है क्या? आ रही है। 3.7 से 4.2 समथिंग आनी चाहिए, आ रही है। वो सप्लाई कहाँ? कोयल पे आती है, आ रही है। वो सप्लाई कोयल किस साइड आती है? आ रही है ना। ये सप्लाई डायोड पे आती है, आ रही है। वो सप्लाई आपके डायोड के दूसरे सिरे पे आती है, आ रही है। कैप पे आती है, आ रही है। रजिस्टर पे आती है एक सेकंड। तो हो सकता है ये रजिस्टर इसका ना हो, क्या है? हो सकता है इसका नहीं हो, और ये सप्लाई निकल के आपके LCD कनेक्टर पे आती है। तो मैं आपको LCD कनेक्टर पे भी चेक करवा देता हूँ। आ रही है, इसका मतलब एनोड की लाइन हमारी सही है, ओपन नहीं है। ओके, अब वो सप्लाई जैसे IC का डॉट इधर है, तो ये एक नंबर हुआ, ये दो नंबर हुआ, ये तीन नंबर हुआ, ये चार, पाँच और ये छः नंबर हुआ। तो हमारा वोल्टेज सबसे पहले कौन सी पिन पे इन होता है? छः नंबर पे। तो चेक करते हैं यहाँ आ रहा है क्या वो वोल्टेज, कोयल से होते हुए निकल के कौन से पिन पे जाता है? चार नंबर पे। तो चार नंबर पे देखते हैं आ रहा है क्या, आ रहा है। तो इसका मतलब IC से दोनों लाइनें भी कनेक्ट है। ओके, इसके बाद में जब हम फ़ोन को चार्ज डालते हैं या फोल्डर कनेक्ट करते हैं तो हमें इस लाइन पर यानी पांच नंबर लाइन पर क्या मिलता है? 1.8 वोल्टेज मिलेगा। तो मैं फ़ोन को पहले चार्ज डाल देता हूँ। अब मैंने जो है LCD भी कनेक्ट की हुई है, कुछ वोल्टेजेस आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा। हो सकता है PWM ओपन हो। ओके, ठीक है। अब हमने एनोड पता कर लिया, हमने कोयल का पता कर लिया, तो हम कैथोड भी हमारा ओपन होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो कैथोड हम बिना स्कीमेटिक देखे कैसे पता कर सकते हैं किस मोड में? बीप मोड में। बीप तो ग्राउंड की भी आती है, फिर कैसे पता करेंगे? रीडिंग आएगा। तो मैं चेक कर दे रहा हूँ, ये पहले पिन पे आ रहा है क्योंकि बैटरी लगी हुई है। मैं बैटरी निकाल देता हूँ। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, चार्ज लगा हुआ है अब आ रहा है क्या? नहीं। इस पे भी आ रहा है, 2 ओम के साथ आ रहा है। इस पे भी आ रहा है, 2 ओम के साथ आ रहा है ना। दो ओम के साथ। अब इसका स्कीमेटिक नहीं है इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर स्कीमेटिक नहीं होगा तो इस टाइप के हैंडसेट आप कैसे बना सकते हो। इसमें भी 2 ओम 2 ओम, नहीं नहीं नहीं, 2 ओम, नहीं नहीं, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। अभी तक तो कोई लाइन ऐसी नहीं मिली जिसको हम कह सकते कैथोड है। ये कितना ओम है? कितना ओम है ये? और बाकी के पे कितना आया? तो इसका मतलब क्या हुआ?
यही क्या थॉट है आपका? और ये लाइन किससे कनेक्ट होगी, कितना नंबर थी ये वाली? ये वाली है पिन, तो इस पिन को किसके साथ चेक करेंगे? तो ये डॉट है तो एक नंबर ये हुआ, तो इसमें तो एक ओम हो गया, इसका मतलब यही है। और इस लाइन में क्या लगे रहेंगे? 5 ओम और 5 ओम, दिख गए। और इनका एक सिरा क्या होना चाहिए? ग्राउंड, ओके है। एक लाइन इस कैप के साथ कनेक्ट होगी, और कैप का सिरा क्या होगा? ग्राउंड होगा। ये देखिए इस साइड से, नहीं इसमें कैप डाला नहीं है इसने, फ्री छोड़ा, देखो ये रहा ओपन है, है ना, कोई बात नहीं। ये लाइन क्या होगी? डायरेक्ट ग्राउंड होगी। तो एक एक पिन का हमें पता चल गया। तो फिर अब हमारी लाइट क्यों नहीं जल रही? तो ये कह सकते हैं ग्राफिक नहीं आ रहा इसलिए नहीं जल रही, लेकिन मैंने देखा ग्राफिक आया था, इसका मतलब ग्राफिक को तो सही कहेंगे, वोल्टेज बन रहे ग्राफिक है तो ग्राफिक सेक्शन पूरा सही है, कनेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ये कैसे पता करें कनेक्टर का प्रॉब्लम? या तो कनेक्टर को निकाल के पलट के डालें, एक चीज़ ये हो सकती है, या चेंज करें, दो, या फिर इस आईसी का पीडब्ल्यूएम पिन जो है हमें देखना पड़ेगा। तो पीडब्ल्यूएम पिन ज़्यादातर एलसीडी कनेक्टर से ही होता है, तो चेक करते हैं। हैं, हाँ बीप मोड में, तो मैं एक प्रोब तो यहाँ रख रहा हूँ और एक प्रोब से ऐसे चेक कर रहा हूँ, ये रहा भाई। तो पीडब्ल्यूएम भी सही है, कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन है, तो इसमें ग्राउंड कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड चेक करना मेरे को, एक नंबर ग्राउंड है। तो यहाँ से ये जो फोल्डर है इसकी, ये ग्राउंड है, क्या है ये? ये ग्राउंड है। तो यहाँ से 8 नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर, 8 नंबर पे GR आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये सर्किट के अंदर से भी कनेक्ट है, ये भी इस पर डाउट नहीं कर सकते। अब जब हमने इस PWM पे देखा तो वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली वोल्टेज डाल के देखेंगे। मैन्युअली यानी DC के अंदर एक 1.8 वोल्टेज कर देंगे, पकड़ो तो एक बंदा ऐसे, आप ध्यान देना, आपके आप इसके अंदर दिखना चाहिए आपका, है ना लाइट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज मैंने की हुई है, कितनी वोल्टेज की हुई है? 1.8 और 1.8, और मैं एक प्रोब जो है यहाँ पे दे रहा हूँ और एक प्रोब जो है मैं ग्राउंड पे दे रहा हूँ। आ रही लाइट क्या? कवर करिए, देखिए मैं ये प्रोब यहाँ टच कर रहा हूँ तब लाइट आ रही, देखिए आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये वोल्टेज दे के सेट को ऑन करके देख सकते हैं। तो पहले मैं सेट को ऑन कर देता हूँ, फिर ग्राफिक आ रहा नहीं आ रहा पता चल जाएगा, पिक्चर क्लियर। तो ये वाइब्रेट हुआ सेट, सेट को मैंने ऑन किया है, और अब मैं जो है एक वोल्टेज यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान से आ रहा है ग्राफिक, ग्राफिक पूरा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, PWM लाइन का पंगा है, PWM लाइन का इशू है, IC को ये नहीं मिल पा रहा, PWM नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो हमें PWM लाइन देना है, इसको क्या करना है, PWM लाइन देना है, ओके सर। फिर रिकॉर्डिंग करते टाइम स्विच क्लिक नहीं हुआ था, तो अभी पैक कर दिया सेट, और यही आपके सामने सेट है। क्या यही सेट था इससे पहले हमने बनाया, है ना?